कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दूसरे राज्यों से बिहारी मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी है। गुजरात के जामनगर से 1200 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची। जब ये ट्रेन रास्ते में थी तो एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर उसकी स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। कोरोना काल में हुई इस बच्ची का नाम कोरोना कुमारी रखा गया है। बच्ची के पिता सत्येंद्र गुजरात में एक निजी कंपनी में काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लॉकडाउन के कारण काम बंद होने से उन्होंने घर जाने का फैसला किया। सत्येंद्र ने कहा कि बच्ची का जन्म कोरोना संकट में हुआ है, हम लोग इसका नाम कोरोना कुमारी रखेंगे। मैं गुजरात से आ रहा था, आगरा में प्रेग्नेंट हुआ है 3:42 पे। अभी कहाँ पहुँचे? अभी हम मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं, मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में इसको मैं एडमिट करा के रखा हूँ। कहाँ घर हुआ? छपरा जिला मनोहरपुर बिहार। क्या नाम रखी है बच्चे? कोरोना कुमारी। माँ बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। गुजरात से लौटे मुजफ्फरपुर के मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद खाना पानी दिया गया, जिसके बाद क्वारंटाइन सेंटर जाते हुए मजदूरों ने बस में चढ़ने से पहले धरती को प्रणाम किया। गुजरात से आए मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान हुई परेशानियों के बारे में बताया, साथ ही अच्छे इंतजामों के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार को शुक्रिया कहा। हम लोग जामनगर में फंसे हुए थे, वहाँ से आए हैं, हमारे सरकार ने लेकर आया और मैं अपने धरती पे आकर बहुत अधिक खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं पाता हूँ, क्या कि मैं 40 दिन मैं वहाँ पे फंसा हुआ था, न खाने का था, न कुछ था रहने का, और यहाँ पे आने का सुविधा बहुत ज़्यादा सरकार दिया। केंद्र सरकार ने भी बहुत अच्छा दिया और बिहार सरकार ने भी दिया। यहाँ तक कि आने में कोई सुविधा, पानी का कोई कमी नहीं हुआ, खाने का कोई कमी नहीं हुआ। यहाँ आते आते मेरे को पानी मिला है, खाना मिला है और जाने के लिए बस मिली हुई है, वो भी बहुत अच्छी है। मैं तो जामनगर मोती खावरी से आ रहे हैं। मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती थे हम लगभग 1.5 महीना जी। तो कोरोना के लेके 23 को हम लोग को अति कर दिया। वहाँ पर खाना पीना वगैरह मिल रहा था? हाँ, वहाँ पे मिल रहा था, हॉस्पिटल में बहुत अच्छा सुविधा था और 23 को डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद? उसके बाद हम लोग अपने डेरा पर किसी तरह किसी के यहाँ गए तो हम लोग ताराचंद्र इंजीनियरिंग कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं, तो कंपनी से तो हम लोग लीव एप्लीकेशन लेके फाइनल लेके यहाँ पर आए। तो आप लोग जो है धरती को प्रणाम किए, काफी खुश दिख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? तो अच्छा लग रहा है सर। हाँ, तो सब खाना पीना सब मिला, गाड़ी उड़ी सब मिला, हमको अच्छा लग रहा है। रिलायंस कंपनी से अब मैं आया हूँ। कहाँ से आए हैं सर? जामनगर से आए हैं। अच्छा यहाँ लग रहा है आने के बाद, अपनी धरती पे आके खुशी हो रही है, अच्छा है। क्या हुआ, कितनी परेशानी थी, अब आ गए अपने यहाँ? सर हमको तो आने में मतलब कोई परेशानी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ रहने में बहुत परेशानी होता था, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे। जामनगर से अभी एक ट्रेन आई हुई है मुजफ्फरपुर जंक्शन पर, इन लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, उसके बाद भोजन और पानी की व्यवस्था जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया है, उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा वाहन भी उपलब्ध कराई गई है, जिनको जिस जिला के लोग हैं वहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर में भेजने के लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई हैं जब कोरोना के संक्रमण के बीच पैदा होने वाले बच्चों का नाम इससे जोड़कर रखा गया है। जब कोरोना का कहर दुनिया से खत्म हो जाएगा तो लोग इन बच्चों के नाम से कोरोना के संक्रमण के बुरे दौर को याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, बिहार तक।